इडियन टेक यूट्यूब चैनल रे तुम समस्त स्वागत। आज वीडियो टॉपिक रे आम आलोचना करवा प्लस टू फर्स्ट ईयर आर्ट्स स्ट्रीम रो इलेक्टिव सब्जेक्ट हिस्ट्री विषय रे। तबे प्लस टू फर्स्ट ईयर आर्ट्स स्ट्रीम रो इलेक्टिव सब्जेक्ट हिस्ट्री रो प्रथम बहीटी होउची आमर पृथ्वी इतिहास बा वर्ल्ड हिस्ट्री। एवं एही वर्ल्ड हिस्ट्री बा पृथ्वी इतिहास रो प्रथम पाठटी होउची इतिहास रो अर्थ इतिहास रो प्रासंगिकता बा गुरुत्व कोण। तबे यह विषय रे आज आम संपूर्ण भाव आलोचना करवा एथिरे आम आलोचना करवा इतिहास रो अर्थ कोण एवं इतिहास रो प्रासंगिकता गुरुत्व कोण रही तत्सहित विभिन्न ऐतिहासिक एवं दार्शनिक माने इतिहास रो केउं केउं संज्ञा सब निरूपण करिछंती। तबे वीडियोटी प्रथम शेष पर्यंत पूरा देख वीडियो लाइक कर एवं चैनल नुआ आसिले चैनल को सब्सक्राइब कर। जदि कोनोसी डाउट रहे नियादि भावरे निजर सजेसन को कमेंट करी जणाओ। तबे चलो आज वीडियो टॉपिक पृथ्वी इतिहास बा वर्ल्ड हिस्ट्री रो प्रथम पाठ इतिहास रो अर्थ इतिहास रो प्रासंगिकता बा गुरुत्व एवं विभिन्न दार्शनिक एवं ऐतिहासिकों मतरे इतिहास रो संज्ञा सब कौन रही आलोचना करिबा। तबे वर्तमान चलो पिला माने आमे एही पृथ्वी इतिहास रो प्रथम अध्याय को आलोचना करिबा एवं एथिरे आमे देखिबा जे इतिहास रो अर्थ एवं प्रासंगिकता कौन रही तत्सहित विभिन्न ऐतिहासिक माने इतिहास सपक्ष रे किभली भावर निजर संज्ञा एवं मत व्यक्त करिछंती। इतिहास रो संज्ञा निरूपण करिबा अत्यंत कष्टकर व्यापार। ऐतिहासिक माने इतिहास संपर्क रे भिन्न भिन्न मत पोषण करिथांती। केतक ऐतिहासिक इतिहास को अतीतर घटनावली रो एक दस्तावेज रूपे वर्णना कला बेले अन्य माने एहाकु अतीत वर्तमान और भविष्य मध्यरे एक समन्वयर सेतु बोली मध्य धरि नै थांती। एठारे कहा जायछि जे इतिहासर संज्ञा निरूपण करिबा अत्यंत कष्टकर व्यापार। आउ ऐतिहासिक माने भिन्न भिन्न मत व्यक्त करिछंती इतिहास सपक्षरे जेभली नाना मुनि नाना मत हिसाबरे। केतक ऐतिहासिक इतिहास को अतीतर घटनावली दस्तावेज बा प्रमाण बोली धरिनेवा बेले अन्य केतक ऐतिहासिक इतिहास को अतीत वर्तमान एवं भविष्य सहित समन्वय रक्षा करथुबा गोटिए सेतु बा पल बोली मानि थांती। केतक एहाकु विशिष्ट व्यक्ति मानंकर जीवनीर एक अध्ययन बोली आख्या देथिबा बेले अन्य माने एहाकु श्रेणी संघर्षर कहानी रूपे वर्णना करिथांती। केतक ऐतिहासिक अच्छा जो मैंने कि इतिहास होची एमती एक पाठ जहाँ विशिष्ट व्यक्ति मानक जीवन में परिपूर्ण बोली कही बेले अन्य केतक ऐतिहासिक मत व्यक्त करती जे जेते बेले प्राचीन समय रे राजा राजुति मान मध्य संघर्ष सृष्टि होता जाति जाति मध्य संघर्ष सृष्टि होता से संघर्षर कहानी गुड़ी इतिहास लिखा जाती इतिहास बोली से मैंने धरी। तबे वास्तव में इतिहास कौन वर्तमान आलोचना करिबा इतिहास रो अर्थ कौन। इतिहास बा जहाँ को इंग्राजी रे हिस्टोरी बोली कहा जाए से शब्दटी ग्रीक शब्द हिस्टोरिया रु आर्नित माने इतिहास बा इंग्राजी शब्द हिस्टोरी शब्दटी ग्रीक शब्द हिस्टोरिया रु आर्नित यार अर्थ होउची अनुसंधान करिबा। हिस्टोरिया रो अर्थ होउची अनुसंधान करिबा। सर्वप्रथमे ग्रीक माने ही इतिहास को एक भिन्न विषय रूपे विवेचना करिथिले तेणु इतिहास प्रथम परिभाषा ग्रीक माने प्रदान करिथिले। आमे आगुरु आलोचना करिथिले जे प्राचीन ग्रीक बा ग्रीस देश होउची एक एभलिया एक देश जेउठारे कि समस्त आद्य इतिहास होउ बा राजनीति विज्ञान होउ आदि शास्त्रर मूलद्वा पड़िथिला। तेणु इतिहास प्रथम परिभाषा से ग्रीक माने ही प्रथम प्रदान करथिले एवं से ग्रीक शब्द हिस्टोरियारु इंग्रजी शब्द हिस्टोरी आसी से ग्रीक शब्द हिस्टोरिया अर्थ होउची अनुसंधान करिबा। साधारण अर्थ रे इतिहास शब्द को विश्लेषण कले एहा हेबो इति युक्त हो युक्त आस अर्थात एहा घटीथिला। यहाँ जदि इतिहास को जदि आम संधि विच्छेद करवा तबे एहा हेबो इति युक्त ह युक्त आस यार अर्थ होची एहा घटीथिला। तबे देखिबा गले ये होची इतिहास गोटे अर्थ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଇତିହାସର ସଂଜ୍ଞା ସବୁ କ'ଣ। ଇତିହାସର ସଂଜ୍ଞା ସବୁ କ'ଣ? ଇତିହାସର ଜନକ ହେରୋଡୋଟସ୍ ଇତିହାସର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରି କହିଥିଲେ, ଇତିହାସ ହେଉଛି ଅତୀତର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ମନେ ରଖ ଯେ ଇତିହାସର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇତିହାସର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ହେରୋଡୋଟସ୍। ଆଉ ଏହି ହେରୋଡୋଟସ୍ ଇତିହାସର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଅତୀତର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଆମେ ଇତିହାସର ଅର୍ଥରେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଇତିହାସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ବା ଏହା ଘଟିଥିଲା, ମାନେ ଅତୀତରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଯାଇଛି ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଯାହା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତାକୁ ହିଁ ଇତିହାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଆମର ଇତିହାସର ଜନକ ହେରୋଡୋଟସ୍ ଇତିହାସର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖେ ଯେ ଇତିହାସର ଜନକ ହେରୋଡୋଟସ୍ ଇତିହାସର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଅତୀତର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଇତିହାସର ଏହି ସର୍ବପୁରାତନ ପରିଭାଷାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ, କାରଣ ଏହା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟର ସଠିକ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସର ଜନକ ହେରୋଡୋଟସ୍ଙ୍କର ଇତିହାସର ସଂଜ୍ଞାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ତେବେ ଇତିହାସ ଗୋଟିଏ ବିଜ୍ଞାନ ରୂପେ ଆମେ ପରିଗଣିତ କରିବା। କାରଣ ଇତିହାସ କାହିଁକି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିବା ନା, ଇତିହାସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏହା ସମସ୍ତ ସତ୍ୟର ସଠିକ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମାନବୀୟ, କାରଣ ମଣିଷର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣାବଳୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ଇତିହାସ। ଇତିହାସକୁ ମାନବୀୟ ଇତିହାସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ମାନବର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯାହା ଅତୀତରେ ଘଟିଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଇତିହାସକୁ ଏକ ମାନବୀୟ ଇତିହାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧିର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ, କାରଣ ଏହା ଅତୀତ ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ଯେ ଅତୀତରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ କିଭଳି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସମାଜ, ପରିବାର, ରାଷ୍ଟ୍ର, ସରକାର ଏସବୁ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବାରୁ ଇତିହାସକୁ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ମାନବର ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଥୁସିଡାଇଡସ୍ ଏବଂ ପଲିବିୟସ୍। ଥୁସିଡାଇଡସ୍ ଏବଂ ପଲିବିୟସ୍ ଗ୍ରୀସ୍ର ଅନ୍ୟତମ ଐତିହାସିକ ଦ୍ୱୟ ଇତିହାସର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ମନଛୁଆଁ ଅତୀତର ଘଟଣା ଯାହାକୁ ଗଳ୍ପ ପରି ମନେ ରଖିହେବ। ଥୁସିଡାଇଡସ୍ ଏବଂ ପଲିବିୟସ୍ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୀସ୍ର ଅନ୍ୟତମ ଦୁଇଜଣ ଐତିହାସିକ ଯିଏକି ଇତିହାସର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ମନଛୁଆଁ ଅତୀତର ଘଟଣା ଯାହାକୁ ଗଳ୍ପ ପରି ମନେ ରଖିହେବ, ମାନେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଅତୀତରେ ଯାହା ଘଟିଯାଇଥିବା ସବୁ ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯାହାକୁ ଆମେ ଗଳ୍ପ ଭଳିଆ ମନେ ରଖିପାରିବା। ଅତଏବ ଅତୀତର ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ଇତିହାସ ନୁହେଁ ବୋଲି ଏହି ଐତିହାସିକ ଦ୍ୱୟ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ଯାହା ମନଛୁଆଁ ଅଟେ, ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ଆମକୁ ଗଳ୍ପ ପରି ମନେ ହେବ ତାହା ହିଁ ସେହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଇତିହାସ ବୋଲି ଏମାନେ କହିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଏମାନେ ଇତିହାସ ବୋଲି ମନେ କରୁନଥିଲେ। ଅତୀତରେ ଘଟଣାମାନ ଯାହା ମନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରେ ତାହାକୁ ହିଁ ସ୍ମୃତିରେ ଧରି ରଖିବା ହେଉଛି ଇତିହାସ। ଆମ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ମନେ ପକାଇବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ, ତେବେ ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ଇତିହାସ ବୋଲି ଏହି ଦୁଇ ଐତିହାସିକ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଥୁସିଡାଇଡସ୍ଙ୍କର ବିଖ୍ୟାତ ପୁସ୍ତକ ପେଲୋପୋନେସିୟ ଯୁଦ୍ଧ ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ। ଥୁସିଡାଇଡସ୍ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ନା, ଥୁସିଡାଇଡସ୍ ପେଲୋପୋନେସିୟସ୍ ଯୁଦ୍ଧ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏଥିରେ ଇତିହାସର ବିଭିନ୍ନ ମନୁଛୁଆ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା ବା ଗଳ୍ପ ପରି ଆମକୁ ମନେ କରିହେବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍ ଇତିହାସର ପରିଭାଷାରେ ଦେଇଥିଲେ, ଇତିହାସ ହେଉଛି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅତୀତର ଏକ ବିବରଣୀ। ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅତୀତର ଏକ ବିବରଣୀ। ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅତୀତ, ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତୀତରେ ଯାହା ଘଟିଯାଇଥିଲା ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ନୁହେଁ,
ता केबे हेले परिवर्तन बा चेंज होई परिबो नाही। तेणुक सही अपरिवर्तित अतीतर जो सब बिवरणी आम बर्तमान पढ़ुचे ताकि इतिहास यही संज्ञाटी को आम ग्रीक दार्शनिक आरिस्टोटल प्रदान करते अपरिवर्तित अतीत को व्याख्या करने को जाई आरिस्टोटल कही मनीषर चाहिदा एवं इच्छा अपरिवर्तित मनुष्य मानकर चाहिदा एवं इच्छा अपरिवर्तित माने ताकु के मध्य परिवर्तन करिवेले नाही। जणे मनुष्य जहाँ चाहिला जणे मनुष्यर जहाँ चाहिदा हला ताकु के अपरिवर्तित करिपारिबो नाही परिवर्तन करिपारिबो नाही। समयर विकास रे एहा नुआ रूप रे प्रकटित होई पारे आउ एही मनुष्यर चाहिदा एवं इच्छा समयर विकास हेले ता नुआ रूप रे प्रकटित होई पारे मात्र मनुष्यर प्रवृत्ति रे विशेष परिवर्तन घटे नाही। इतिहास मनुष्यर एही अतीतर अभिप्सा को ही अध्ययन करूजिन और नेल तांकर नाटक लॉन्ग डे जर्नी इंटू नाइट रो द्वितीय अंकरे इतिहास संपर्कित कथोपकथन को एक परिभाषा आकार प्रकाश करिछंती। यथा टायरन कहुचंती मेरी मु ईश्वरक राणदेई कहुची अतीतरु भूली जाओ। मेरी कहुचंती काहेकि किपरी बा मु भूलिबि अतीत होची वर्तमान नुहे कि एहा मध्य भविष्यत। उपरोक्त दुई विशिष्ट व्यक्तिद्वयंकर दृष्टिभंगी को आलोचना कले जणाजीव जे इतिहास होची सेही तथ्य बा सत्य जहाँ सुदूर अतीतरु वर्तमान मध्य दे भविष्य आड़ प्रभावित करिथाय। विख्यात इंग्रेज कवि टी एस इलियट इतिहास संज्ञा दे लिखिछन्ति वर्तमान एवं अतीतर समय भविष्य मध्य समाहित एवं भविष्य समय ही अतीत भितर लुकायित माने वर्तमान एवं जहाँ घटू अतीतर होता एवं वर्तमान अतीतर जहाँ होता ताकु समन्वय भविष्य सहित आम कर वास्तविक यह इतिहास एक अन्य संज्ञा रूपे परिगणित होता है। अतीत एवं वर्तमान मध्य संजोगर सेतु रूपे इलियट इतिहास को वर्णना करिसंती। थॉमस कार्लाइल इतिहास संज्ञा निरूपण रूपे निर्धारित करिसंती जे तांको भाषा रे इतिहास हेउची विख्यात योद्धा शासक कलाकार तथा पयंगंबर आदि विशिष्ट व्यक्ति मानंकर जीवनीर अध्ययन। थॉमस कार्लाइल कहिथिले जे इतिहास हेउची विख्यात योद्धा शासक कलाकार तथा पयगंबर आदि विशिष्ट व्यक्ति मानक जीवन रो अध्ययन। से विख्यात व्यक्ति जमीती कि महात्मा गांधी कैनेडी तृतीय जॉर्ज अशोक अकबर गौतम बुद्ध कन्फ्यूसियस मार्टिन लूथर तथा माइकल एंजेला राफेल तानसेन आदि विषय रे इतिहास अध्ययन करिथाय बोली से मतव्यक्त करिथिले। इतिहास रो संज्ञा निरूपण करी लॉर्ड एक्टन कहिचंती इतिहास हेउची मानव स्वाधीनतार मुक्त कहानी मानव स्वाधीन भाव में जो सबू घटना मान घटे से कहानी को इतिहास बोली कहा जाए। यह लॉर्ड एक्टन को मतरे इतिहास संज्ञा तांको मतरे इतिहास विशिष्ट मुहूर्त बड़ योद्धा को जय कला बेले विशाल साम्राज्य गठन कला बेले सृष्टि हो न थाए सृष्टि होता है जेतेबेले मनुष्यर विशिष्ट चिंता एवं चेतनार स्मरण घटिथाए। बोरिंग भाषा रे इतिहास हेउची विज्ञान किछि कम बा बेसी नुहे। ठीक सेहिपरि आमर विशिष्ट जर्मन दार्शनिक विलियम फेडरिक हिग्ले इतिहास संज्ञा निरूपण करि लिखिछन्ति साधारणत पृथ्वी इतिहास हेउची समय मध्यरे शक्तिर परिप्रकाश। यही दार्शनिक परिभाषा को सरल करी कही हेबो जे समयर क्रमिक विकास रे चेतना शक्तिर मध्य वृद्धि घटी एजाबत लिखित इतिहास ही यही चेतना शक्तिर क्रम विकास बोली हिगेल मतव्यक्त करथिले। माने पृथ्वी इतिहास होची समय मध्य शक्तिर परिचय विभिन्न समय को धरी आमर बौद्धिक चेतनार उन्नत घटी आउ से सब उन्नत अनुसार घटना मान मध्य घटी एवं से घटना गुड़िक परिप्रकाश करवा ही इतिहास बोली से कहिथिले। इतिहास रो परिभाषा दे पृथ्वीर अन्यतम दार्शनिक कार्ल मार्क्स कहिचंती वर्तमान पर्यंत तिष्ठि रहिथिबा इतिहास ही श्रेणी संघर्ष रो इतिहास। कार्ल मार्क्स संग मतरे जे वर्तमान पर्यंत तिष्ठि रहिथिबा इतिहास ही श्रेणी संघर्ष रो इतिहास
श्रेणी संघर्ष माने राजा राजुति मान मधे जो सब संघर्ष चलुला जाति जाति मधे जो सब संघर्ष चलुला से संघर्ष वर्तमान पर्यंत तिष्ठ रही से घटना गुड़िक ही इतिहास बोली आमर दार्शनिक कार्ल मार्क्स कहते अर्थात इतिहास हूँ सुविधावादी एवं सुविधारू वंचित दुई श्रेणी मध्य संघर्ष चित्र जो मैंने सुविधावादी माने राजा राजुति माने से मानकर एवं जो मैंने सुविधारू वंचित माने आमर जनसमाज दुई संघर्ष चित्र को इतिहास वर्णना करें अतीत प्रभु दास पूंजीपति श्रमिक जमीदार कृषक मध्य होता संघर्ष चित्र ही इतिहास बहन करें बोली इतिहास परिभाषा दे दार्शनिक कार्ल मार्क्स इतिहास संज्ञा निरूपण कर ठीक से भली प्रोफेसर आर जी कलिंगवुड इतिहास एक भिन्न परिभाषा प्रदान करते मतरे समस्त इतिहास हूँ चिंतन इतिहास समस्त इतिहास हूँ चिंतन इतिहास माने जहाँ किसी इतिहास बोले आम पढ़ुचे से सब जिन चिंता करार घटना गुड़ी नहीं या तेणु इतिहास हूँ ऐतिहासिक मनरे अतीत चिंतन पूर्ण प्रतिफलन माने अतीत ऐतिहासिक मनरे जहाँ सब घटना से देखी ताकू लेखा पुणी थे प्रतिफलन करने को बर्तमान सहित ताकू इतिहास बोली कहुए प्रोफेसर आर जी कलिंगवुड कहते अतएव अतीतर मानवर चिंताधारा को स्मरण करी से संपर्क में लेखिबा इतिहास कर्तव्य बोली प्रोफेसर कलिंगवुड सूचना देछंती तेणु कलिंगवुड सूचना देते जे अतीत जहाँ सब घटी घटना गुड़िक से चिंताधारा को मानवर चिंताधारा को स्मरण करी से संपर्क में लेखिबा इतिहास बोली कहुए एवं ऐतिहासिक मानक कर्तव्य बोली कहुए बोली प्रोफेसर आर जी कलिंगवुड संज्ञा प्रदान करते तापर आमर आसला प्रोफेसर ईएच कार प्रोफेसर ईएच कार इतिहास आधुनिक परिभाषा निरूपण करतांतर जुगांतकारी पुस्तक इतिहास कौन रे इतिहास संज्ञा दे कहते इतिहास हूँ ऐतिहासिक एवं तार तथ्य मध्य असरती कथोपकथन जहाँ अतीत वर्तमान मध्य प्रधावित अर्थात जड़े ऐतिहासिक तर्जमा कर वर्तमान आखिरे अतीत को देखे एवं से समय संगठित घटना को वर्तमान थारु उत्कृष्ट व निकृष्ट बोली लिपिबद्ध करिथाय माने जने ऐतिहासिक अतीत जहाँ सब घटना घटी ताकू निज मानसिक स्तर रे चिंता करे एवं वर्तमान वर्तमान थारु ताहा निकृष्ट कि उत्कृष्ट से सब लिपिबद्ध बा लेखि थाय उपरोक्त आलोचना रु जणा जाय जे इतिहास संपर्कित बहु मत विशिष्ट विद्वान मान प्रदान करिथांदि आमे तो देखिले गुड़ाए संज्ञा आमर ऐतिहासिक दार्शनिक माने इतिहास इतिहास सपक्ष में कही मतगुड़ी को तर्जमा कले जनाजी जे इतिहास केवल अतीतर घटनावली अध्ययन नुहे अथवा विशिष्ट व्यक्ति मध्य जीवन अध्ययन नुहे यह केवल श्रेणी संघर्ष चित्र नुहे बा समाज और संस्कृति अध्ययन नुहे इतिहास हूँ ऐतिहासिक एवं तांकर उपादान मध्य कथोपकथन जहाँ सुदूर अतीतर वर्तमान मध्य भविष्य आड़ को प्रभावित करें इतिहास अर्थात इतिहास अतीतर विश्लेषण रु आरंभ कर वर्तमान अवस्थार स्थिति जानवा एवं ताकू विश्लेषण कर भविष्य अवस्था कौन हेबो से संपर्क अनुमान करवा हूँ इतिहास अति संक्षिप्त कह इतिहास हूँ मानव सभ्यतार प्रगतिर अध्ययन माने मानव सभ्यता जेभली भावे जंगल रे बास करी कालक्रमे परिवार परिवार रो समाज समाज रो राष्ट्र सरकार आदि सृष्टि करथिला सेई प्रगतिर अध्ययन करिबा ही इतिहास बोली कहा जाए पृथ्वीर आदि मानव आदम थारु आटम पर्यंत मानव प्रगति को लिपिबद्ध कर रखी इतिहास माने पृथ्वीर प्रथम आदि मानव होची आदम से ताठारु जेमिति आमर ख्रीष्ट ख्रीष्ट धर्मर ग्रंथरे वर्णना कराई जे आदम को ठारु पूरा आमर मानव सभ्यता सृष्टि वर्तमान आम सृष्टि करचे आटम बा परमाणु बबू ए परमाणु बोमा ए सब जिनस सबुर कहानी बा घटना सब किए लिपिबद्ध कर रखी इतिहास ही लिपिबद्ध कर रखी तेरे ये होता इतिहास सपक्ष में विभिन्न दार्शनिक एवं ऐतिहासिक मानकर संज्ञा तथा इतिहास अर्थ बर्तमान आम आलोचना करवा इतिहास प्रासंगिकता मान इतिहास कहीं आम पढ़ा आवश्यक इतिहास एत गुरुत्वपूर्ण कहीं प्रत्येक विषय पर इतिहास गुरुत्व रही अच्छी प्रासंगिकता रही अच्छी शिक्षादान व्यवस्था
कला विभाग एक अविच्छेद्य अंग रूपे इतिहास आवश्यकता मध्य अपरिहार्य हो पड़ी। बहु विषय उपर यह आलोकपात कर समाज में एकांत उपादेय माने इतिहास पढ़ा द्वारा आम जे विज्ञान हो गणित हो जेकोसी विषय हो इतिहास लिपिबद्ध हो सुनर आविष्कार किभली होला संख्या मान आविष्कार किभली होला ए सब जिनस इतिहास वर्णना करिथाय। ए जो आमे भाषा आज व्यवहार करुचे से लिपि व्यवहार करुचे ताहा किभली सृष्टि हेछि ताहा मध्य इतिहास पढ़ा द्वारा आमको सब तथ्य मिलिथाय। तेणुकरी बहु विषय ए इतिहास आलोकपात करथवारु एहा समाज पई एकांत उपादेय। यार प्रासंगिकता संपर्क निम्न आलोचना करागला यार काहेकि आवश्यकता रहिछि ना कारण मूल्यबोधर प्रवक्ता इतिहास हूँ मूल्यबोधर प्रवक्ता माने सठिक मूल्य नहीं आम समाज में बचा किभली ना इतिहास हूँ मनुष्य जीवन मूल्यबोधर प्रवक्ता यह मनुष्य जीवनधारा एवं कार्यकलाप प्रति अंतर्दृष्टि निक्षेप कराइबार सहायक होता है। अतीत मनुष्य मैंने किभली निजर चिंताधारा को कार्य लगे आम जदि बर्तमान बुझने ताले अंतर्दृष्टि निक्षेप करवा ताले आम जीवन मध्य सुविधा सहायक हो पार। अतीत सामाजिक मूल्यबोध मानववादर प्रवक्ता विभिन्न मनीषी मान जीवनी विभिन्न संगठन आभिमुख्य तथा कार्यप्रणाली विषय इतिहास मनीष को अवगत कराई थाए जहाँफल अतीत से महापुरुष मान जीवन मूल्यबोध को नहीं आम बर्तमान एवं भविष्य कार्यकला कार्य लगे पार आम जीवन को मध्य आम मूल्यबोध कर तेणु इतिहास को मूल्यबोधर प्रवक्ता बोली कहुए। तापर आसला आमर दैनंदिन समस्यार समाधान पर पथ प्रदर्शन करें ए इतिहास विषय इतिहास दैनंदिन समस्यार समाधान पर पथ प्रदर्शन करें अतीत को अध्ययन कर बर्तमान ठीक करा जाय पारे माने अतीत यही घटना घटी से माने किभली समाधान करते जदि आम जापर ताल बर्तमान घटी समस्या आम समाधान कर अतीत घटी लम्बर्षणकारी युद्धर कारण मान पर्यालोचना कर वर्तमान से परिस्थिति मान सृष्टि न करने पुनः युद्ध एड़ाई देवाई परामर्श इतिहास दे था अतीत जो सब घटना घटी जाइए जो सब युद्ध बड़ बड़ युद्ध घटी जाइए तार कारण कौन थी जदि आम से सब जापर एवं तार समाधान बर्तमान आम कर युद्ध एड़ाई पार एपरिक देखा जाए जड़े मनस्तत्वविद जड़े पगलर चिकित्सा करतीतर इतिहास जानवाक चेषा कै माने जितेबले जड़े पगल चिकित्सा पगल डाक्टरखाना कराए से डाक्टर तार अतीत विषय जानवाक चेषा करतीत कौन थी यार जीवन किभली कटुला तापर जा पगल होता व्यक्तिर चिकित्सा से करें तेणु अतीत जहाँ सब घटना घटी जाइए से घटना गुड़ी आम जा बर्तमान से तार समाधान पंथा अतीत कौन नहीं आम आम बर्तमान व्यवहार करतमान घटुवा समस्या समाधान कर अतीत को अनुध्यान कर वर्तमान प्रगति निर्धारण करें एवं इतिहास इतिहास इंधन जगाई थाए। तापर आसला आमर जे इतिहास इच्छार उद्रेक करने दिगरे सहायक होता है जे इतिहास मनुष्य मध्य इच्छा शक्तिर उद्रेक कराई थाए। इतिहास युद्ध दुस्साहसिकता व्यक्तित्व धर्म दर्शन कला स्थापत्य आदि संपर्क आलोचना करें तेणु इतिहास अध्ययन कर जड़े योद्धा दार्शनिक नेता वैज्ञानिक आदि होगापी प्रेरणा पाई थाए जन मध्य इच्छा जाग्रत होता है। तेणु मनीष मध्य इच्छा शक्ति उद्रेक घटाइवा मनीष को आग को बढ़ावापी आम इतिहास सहायक करे तेरे ये इतिहास प्रथम प्रासंगिकता जहाँ इतिहास मनुष्य इच्छार उद्रेक करने दिगरे सहायक होता है जे आगामी भविष्य में गोटे छात्र निजर व्यक्तित्व को किभली भाव में गढ़ी तोल योद्धा दार्शनिक नेता आदि हिसाब से तार इच्छा इतिहास पढ़ा द्वारा सृष्टि होता है। तेरे इतिहास प्रासंगिकतार द्वितीय दिग हूँ बौद्धिक सतोष मनीषर बौद्धिक सतोष प्रदान करने दिगरे इतिहास ही सहायक होता है। जेकोसी मनीष अतीत को अध्ययन कले आनंद लाभ कले पाने तुम्हें मध्य जदि तुम अष्टम नवम श्रेणीर कौन घटना कथा मन पकेब निश्चय तुमको बौद्धिक आनंद मिल अतीतर घटनावल जमीक नील नदीर सभ्यता चीन्र सभ्यता सिंधु सभ्यता आलेक्जेंडर जूलियस सीजर पुरु अकबर नेपोलियन हिटलर मुसोलिनी महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस विभिन्न युद्ध धर्म
संस्कार आंदोलन नवजागरण भौगोलिक आविष्कार विभिन्न देशर स्वाधीनता संग्राम आदि विषय पढ़ी मनीष अपार आनंद लाभ करे। इतिहास ही मनीष को एक बौद्धिक आनंद प्रदान करने दिगरे सहायक होता है। तेणुक इतिहास अध्ययन करार द्वितीय प्रासंगिकता बौद्धिक सतोष रही। इतिहास अध्ययन तृतीय प्रासंगिकता हूँ बुझामणारे उन्नति घटाइबारे सहायक होता है। मनीषर बुझामणारे उन्नति घटाए थाए इतिहास अतर मनीष मैंने वर्तमान एवं भविष्यतर दायित्व पर बहुत तथ्य छाड़ जाइंट मान अतीत जो मनुष्य व मानव मान रोते से मैंने आम मानी विभिन्न घटनावल तथ्य नीति नियम सबू छाड़ जाइंट सामाजिक अर्थनैतिक बौद्धिक धार्मिक आदि क्षेत्र में क्यों नीति ग्रहण योग्य एवं क्या आम परित्याग करवा छाड़दे मनीष जाणी निहाती आवश्यक अटे। अतए मनीष मध्य उत्तम बुझामणा सृष्टि एवं जो जहाँ आम ग्रहण करवा कथा ग्रहण कर छाड़ापी इतिहास आमको शिक्षा दे थाए। तेबे अन्य एक प्रासंगिकता हूँ जे मानव अभिज्ञतार परिसर वृद्धि होता है। मानव अभिज्ञतार परिसर वृद्धि घटाइबारे इतिहास यथेष्ट सहायक करिथाय। इतिहास पृष्ठा उन्मोचन कले आखि आगरे उद्भासित होइ उठे अतीतर संस्कृति अतीतर केउ सब परंपरा थिला अतीतर लोक माने किभली निजर संस्कृति को गढ़ी तुलिथिले ता आमे सेही अभिज्ञता आमे इतिहास पढ़ा द्वारा पाइपरिया। मनीषर उन्नतिर गाथार प्रति पृष्ठा स्वतः उन्मोचित होता है से इतिहास पढ़ा द्वारा जे अतीत मनुष्य किभली भाव मंदिर ह्रद यही भास्कर्य आदि तैयारी करा आम तार अभिज्ञता कौन थिला से इतिहास पढ़ा द्वारा जापर। वर्तमान मनीष निज अभिज्ञता सहित अतीतर पूर्व पुरुष वीर मान अभिज्ञता को तुलना करे जे पूर्वर सुर वीर मैंने किभली करिथिले एवं वर्तमान कौन सबू हेउछि अतीत ठारु उन्नतर चिंता एवं चेतना नहीं अग्रगामी हेबाकु से प्रयास करे। वास्तविक इतिहास ही मानव अभिज्ञतार परिसर वृद्धि घटाइबार साहाज्य करिथाय। तापरे विभिन्न ज्ञानर परिप्रकाश इतिहास हेउछि विभिन्न ज्ञानर परिप्रकाश। इतिहास बहु भागरे विभक्त जमीक राजनैतिक इतिहास आम जदि राजनीति विषय जानवाक चाहिबा तबे राजनैतिक इतिहास पढ़िले से राजनैतिक विभाग विषय आम संपूर्ण ज्ञान पाइपर। ठीक से आम जदि समाज विषय जानवाक चाहिबा तबे सामाजिक इतिहास पढ़ाक होता है। ठीक से अतीत अर्थव्यवस्था किभली किभली अर्थर कारबार व्यवहार होता ताक आमको अर्थनैतिक इतिहास पढ़ाक पड़ो जहाँफल ये अर्थनैतिक इतिहास विषय आम ज्ञान परिप्रकाश घटव। धर्म विषय जानवाक चाहिए आम धार्मिक इतिहास पढ़ा दलित नीच लोक मान विषय जानवाक चाहिए आम दलितर इतिहास पढ़ा। तापर नारी मैंने अतीत किभली भाव में निजक गढ़ी तुले आम नारी इतिहास जापर युद्ध इतिहास सांस्कृतिक इतिहास आदि विभिन्न इतिहास विभाग रही जहाँ विषय आम ज्ञान वृद्धि करने को चाहूचे आम से विभाग से इतिहास को आम पढ़ीपर। ए समस्त इतिहास अध्ययन करने द्वारा मनीष ता संपर्क ज्ञान आहरण करें विभिन्न राजनैतिक सामाजिक एवं आर्थनैतिक अवस्था युद्ध कौशल संस्कृति नारी मान भूमिका आदि विषय अन्य माने जानवाक इतिहास पढ़ा द्वारा सक्षम होता। विभिन्न प्रकार ज्ञानर भंडार को इतिहास ही सर्वजन समक्ष उन्मोचित कर उद्बुद्ध करतीहास पढ़ा द्वारा आम विभिन्न विभागर ज्ञान अर्जन कर एवं आमर ज्ञानर परिप्रकाश मध्य घटिबो। तेणुक इतिहास अध्ययन यह गोटे प्रासंगिकता अटे। तापर इतिहास अध्ययन अन्य गुड़े प्रासंगिकता है समृद्धि पथ प्रदर्शक। इतिहास हूँ समृद्धि बा उन्नतिर पथ प्रदर्शक जे अतीत सभ्यता लोक मैंने किभली उन्नति पथर आग को अग्रसर होते ता बर्तमान आम इतिहास पढ़े जापर एवं से ही घटना से ही नीति नियम को आम बर्तमान आम कार्य लगे आम उन्नति आग को जापर। विभिन्न चिंताधार प्रतिफलन घटाई था इतिहास आरजी कलिंगवुड भाषा इतिहास छंदायित परिवर्तन पुनरावृत्ति घटाई थाए बहु कालांशर यह परिवर्तन को अध्ययन कले स्पष्ट जाणी हुए जे परवर्ती युग पूर्ववर्ती युग ठारु समृद्ध निश्चय माने गोटे अतीतर सभ्यता ठारु
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଭ୍ୟତା ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉନ୍ନତି ହେବ। କାରଣ ଅତୀତରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟଣାମାନ ବା ଯାହା ସବୁ ପଥ ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ସେ ପଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥିବ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ବା ସମୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଆଗକୁ ଯାଇଥିବ। ଏହି ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କଲେ ସମୃଦ୍ଧିର ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଆଗେ ଯିବା ପାଇଁ ଇତିହାସରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ହେଲା ଜାତୀୟତାବାଦର ଉଦ୍ବେଗ କରାଇବା, ମାନେ ଆମ ଜାତି ଏକାଠି, ଆମ ଜାତି ଏକ ବୋଲି କହିବା। ଇତିହାସ ଜାତୀୟତାବାଦ ଉଦ୍ରେକ କରାଇବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଯୁବକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ କରାଇଥାଏ। ଅତୀତରେ ଇଟାଲୀ ଏକତ୍ରୀକରଣରେ ମାର୍ଜିନୀ, ଗାରିବାଲିଡ଼ି ଏବଂ କାଭୁରୁଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ, ଜର୍ମାନୀ ଏକତ୍ରୀକରଣରେ ବିସ୍ମାର୍କଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ, ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ, ରୁଷ ବିପ୍ଳବ, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସମସ୍ତେ ଜାତୀୟତାବାଦର ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ଆମ ଭାରତ କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମ ଭାରତ କାହିଁକି ପରାଧୀନ ଥିଲା? କାରଣ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲି ରହୁଥିଲା, ସଂଘର୍ଷ ଚାଲି ରହୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କିଏ ଏକାଠି ନଥିଲେ, ୟୁନିଟି ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପରାଧୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ବା ଏକତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତ ପୁଣି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଫେରିପାଇଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଖଣ୍ଡ ଦେଶ, ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଗଢ଼ି ତୋଳିଲା। ଆଉ ଏହି ଇତିହାସ ହିଁ ଜନତା ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ଉଦ୍ରେକ କରାଇବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ। ତେବେ ଇତିହାସର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଲା, ଇତିହାସକୁ ପଞ୍ଚମ ବେଦ କୁହାଯାଏ। ବିଚକ୍ଷଣ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଚାଣକ୍ୟ ବା କୌଟିଲ୍ୟ ନିଜର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଇତିହାସର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରି କହିଛନ୍ତି, ପୁରାଣ ମିତିବୃତ୍ତ ଆଖ୍ୟାୟିତ ଉଦାହରଣ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଚେତିତ ହାସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇତିହାସ କହିଲେ ପୁରାଣ ଇତିବୃତ୍ତି ଆଖ୍ୟାୟିକା ଉଦାହରଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏତେ ସବୁ ବ୍ୟାପକ ବିଷୟରେ ଇତିହାସ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ଇତିହାସକୁ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟାପକତା ହିଁ ଏହାକୁ ଜନସମାଜରେ ଆଦୃତ କରାଇବା ସହିତ ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ବା ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଜାହିର କରିଥାଏ। ତେବେ ଆମର ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ବେଦ ଅଛି, ସେ ଚାରୋଟି ବେଦରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବେଦରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଇତିହାସରୁ ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ବିଭାଗର ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ଯେକୌଣସି ବିଭାଗର ଜ୍ଞାନକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ବା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଆମେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଲେ ସେହି ବିଭାଗ ବା ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳୀକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା, ସେହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆହରଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଇତିହାସକୁ ପଞ୍ଚମ ବେଦ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ହେଲା ସମାଜ ଶାସନ ନିୟମର ପ୍ରବକ୍ତା। ଇତିହାସ ହେଉଛି ସମାଜ ଶାସନର ସାଧାରଣ ନିୟମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ। ଅତୀତରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମାଜର ରୀତିନୀତି, ନିୟମ ଏବଂ କାନୁନ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥାଏ ଇତିହାସ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛେ ଯେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀର ଦସ୍ତାବିଜ, ତେଣୁକରି ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସେମାନେ ନିଜର ସମାଜକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗଢ଼ିଥିଲେ, କେଉଁ ନୀତି ନିୟମ କାନୁନ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ତାହା ଆମେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବା। ତାହାକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ସମାଜ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ତାହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭବିଷ୍ୟତର ବଂଶଧାରମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ଇତିହାସ ସମାଜ ଶାସନର ନିୟମମାନ ପ୍ରତିଫଳନ କରି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବାଟ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଇତିହାସର ଅନ୍ୟତମ ଅବଦାନ। ଏହି ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଇତିହାସର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କଥା ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ ହୋଇପଡ଼େ ଯେ ଇତିହାସର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କେତେ ବେଶୀ ଅଟେ। ଇତିହାସର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କହିଲେ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ବିଷୟରେ ବୁଝାଏ। ତେବେ କାହିଁକି ଆମେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା, ଆମେ ଏହିସବୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ଲେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବା। ତେବେ କିଛି ଦାର୍ଶନିକ ଐତିହାସିକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଯେଉଁମାନେ କି ଇତିହାସ ବିପକ୍ଷରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କିଭଳି ନା, କେତେକ ଐତିହାସିକ ଇତିହାସର ଉପାଦେୟତା ବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଇତିହାସକୁ ବହୁ ଭାବରେ ଆକ୍ଷେପ କରିଥାନ୍ତି, ଇତିହାସର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଆଦୌ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ଐତିହାସିକ ଦାର୍ଶନିକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନର କିଛି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ଇତିହାସ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ହେଲା ଯେ ହେନରି ଫୋର୍ଡ କହିଥିଲେ, ଇତିହାସର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଥିଲେ, ଇତିହାସ ହେଉଛି ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଶଯ୍ୟା। ହେନରି ଫୋର୍ଡ ଇତିହାସକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଶଯ୍ୟା, ଛୋଟ ସେଜ, ଏଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇନଥାଏ,
तेणुक इतिहास अध्ययन करने निरर्थक अटे। द्वितीयतः आहरी पादे आग को जाई एंजेल कही आम इतिहास को केवल गोटे शिक्षा लाभ कर शिक्षा देवाई यह पाखे कि नहीं मतरे एक निर्दिष्ट लक्ष्य ना पद्धति ना इतिहास तेणुक इतिहास प्रासंगिकता ना। तृतीयतः अतीत मनीष किपर बास करूला से समय समाज किपर थी ताकि वर्तमान समय सहित तुलना करवा निरर्थक अटे। अतीत को अध्ययन कर वर्तमान को आम उपेक्षा करने जुक्तिजुक्त नुहे कि ऐतिहासिक और दार्शनिक मत दिखती तेणु इतिहास प्रासंगिकता ना से कहते। चतुर्थतः दार्शनिक दृष्टिकोण इतिहास अध्ययन निरर्थक अटे। दार्शनिक मान जो मैंने अच्छा से मत दिं समालोचना करती इतिहास अध्ययन विषय जे इतिहास अध्ययन कौन सी गुरुत्व ना यह निरर्थक अटे। ऐतिहासिक चिंतार बाहर कौन सी समाज व पृथ्वी थी नपे मान ऐतिहासिक मान जो सब चिंता करती पृथ्वी व समाज न थाए मात्र मनुष्य मन को अध्ययन करने ऐतिहासिक समर्थ हो पार नए जेहेतु जड़े मनोविज्ञानी ही जड़े मनोविज्ञानी ही मनर भाव को जापर ऐतिहासिक मान जापारती ना तेणुक ऐतिहासिक मान मनर भाव को समर्थन हो पारती ना तेणुक से ठीक भाव में जुक्ति प्रकाश कर पारती ना तेणु इतिहास बास्तव अवदान विफलतार पर्यवेक्षित होता है। शेष ऐतिहासिक मान मत भेद भिन्नता थाए से निज निजर दृष्टिकोण इतिहास को तर्जमा करती पांचज दिव्यांग दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्ति गोटे हाथी चिन्हवाक जा जड़े दिव्यांग व्यक्ति हाथीर गोड़ को धरी पकाए एवं सी कहे आरे हाथी देखा ठीक खम्ब भली अन्य जड़े दिव्यांग दृष्टिहीन व्यक्ति जा हाथीर पेट को अंडाड़ी कहे आरे हाथी देखा गोटे विराट प्राचीर भली ठीक से भली नाना मुनि नाना मत प्रदर्शन दे था ऐतिहासिक मान से भिन्न भिन्न मत ऐतिहासिक तथ्य गोटे घटना को दे था तेब यही इतिहास अध्ययन सपक्ष ऐतिहासिक एवं दार्शनिक मध्य जुक्ति बाढ़ती इतिहास प्रासंगिकता को समालोचना कर बहु मत प्रदान कर मात्र यही समस्त जुक्ति केवल जुक्ति उद्दिष्ट इतिहास उपादेयता सर्वजन विदित अटे। इतिहास ही अतीतर बहु चर्चित घटनावल मुक्त परिप्रकाश आम आगु आलोचना करते जे इतिहास द्वारा आम अतीतर सब घटनावल को जापारी था को अध्ययन कले से समस्त विषय सठिक ज्ञान प्राप्त होता है कारण प्रत्येक वस्तु व्यक्ति संगठन विभाग इतिहास अच्छी अतीत ज्ञान ही मनुष्य को वर्तमान समाज में सचेतन कराए मनुष्य वर्तमान को अतीत सहित तुलना कर यह अतीत ठार उन्नत ता कल्पना करें आज मनुष्य अतीत को तुलना कर अतीत सभ्यता को एवं आम कि भाव में उन्नत हो पारे आम तुलना करपर अतएव वर्तमान को आखि आगे रखी भविष्य स्थिति संपर्क अनुधान करें अतएव मानवर इतिहास पठन एकांत भाव में अपरिहार्य अटे एवं इतिहास पठन गुरुत्व प्रासंगिकता रही इतिहास अनेक परिभाषा रही अछि यार प्रासंगिकता बहुविध इतिहास परिसर एत व्यापक जे यहाँ संक्षेपर वर्णना करहब ना विभिन्न विषय पर इतिहास उपादेयता समस्त को जना अछि अतीत वर्तमान एवं भविष्य मध्य इतिहास एक सेतु बा पल रूपे कार्य पूर्वर मध्य आम आलोचना करिअछे एवं विभिन्न ऐतिहासिक एवं दार्शनिक मान मत दे जे इतिहास होउचे अतीतर से ही दस्तावेज जो थे अतीतर घटनावली एवं अतीतर सबकि कार्यकलाप मानवीय कार्यकलाप को लिपिबद्ध करतीहास होउचे एमती एक विषय जो जहा सब विषय गोटे मूल अटे एवं इतिहास को पंचम वेद बोली कहुए कारण इतिहास अध्ययन द्वारा आम जेकोसी निर्दिष्ट विभाग व निर्दिष्ट विषय आमर ज्ञान अर्जन करमर ज्ञानर सीमा को बढ़े तेब यही भाव किसी ऐतिहासिक एवं दार्शनिक इतिहास सपक्ष में मतवाद पोषण करते वर्तमान आम आज भिडियो टॉपिक रे जहाँ सब आलोचना कले पृथ्वी इतिहास अध्याय एमें देखिले इतिहास अर्थ इतिहास प्रासंगिकता व गुरुत्व एवं इतिहास विभिन्न संज्ञा विषय तेरे पॉइंट गुड़िक हूँ एक इतिहास बा हिस्टोरी ग्रीक शब्द हिस्टोरिया आसी अच्छी
ଇତିହାସର ବହୁବିଧ ସଂଜ୍ଞା ରହିଅଛି। ଏହାର ପରିଭାଷା ଦେଇ ଇତିହାସର ଜନକ ହେରୋଡଟସ୍ କହିଥିଲେ, ଇତିହାସ ହେଉଛି ଅତୀତର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଇତିହାସ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ଇତିହାସ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅତୀତର ଏକ ବିବରଣୀ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିବା ଇତିହାସ ହିଁ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ଇତିହାସ। କଲିଙ୍ଗଉଡ଼ଙ୍କ ମତରେ ସମସ୍ତ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଚିନ୍ତନର ଇତିହାସ। ଇଏଚ୍ କାର୍ ଇତିହାସର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରି କହିଛନ୍ତି, ଇତିହାସ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ଏବଂ ତା'ର ତଥ୍ୟ ଅସରନ୍ତି କଥୋପକଥନ ଯାହା ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ତୃତୀୟରେ, ନିରପେକ୍ଷ ମତ ପ୍ରଦାନ କରି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଇତିହାସ କେବଳ ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀର ଅଧ୍ୟୟନ ନୁହେଁ ଅଥବା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଅଧ୍ୟୟନ ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେବେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ଏବଂ ତା'ର ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ କଥୋପକଥନ ଯାହା ସୁଦୂର ଅତୀତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଅଛି। ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଇତିହାସ ହେଉଛି ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଗତିର ଅଧ୍ୟୟନ, ଯେ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଅତୀତରେ କିଭଳି ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କିଭଳି ଉନ୍ନତି କରିଛି ସେ ସବୁର ବିବରଣୀକୁ ଇତିହାସ କୁହାଯାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଳା ବିଭାଗର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଇତିହାସ। ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ମଧ୍ୟ ବହୁବିଧ। ଏହା ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରବକ୍ତା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଥାଏ ଏବଂ ମାନବ ଅଭିଜ୍ଞତାର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତାପରେ, ଇତିହାସର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। କେତେକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସଜ୍ଜା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଐତିହାସିକ ବିଭିନ୍ନ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ ବିପକ୍ଷରେ, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ମଧ୍ୟ ମତପୋଷଣ କରି ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଜରୁରୀ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମତପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ପୃଥିବୀ ଇତିହାସ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଇତିହାସର ଅର୍ଥ, ଇତିହାସର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଏବଂ ଇତିହାସର ସଂଜ୍ଞା ବିଷୟରେ। ତେବେ ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ରେ ଆମେ ଏହି ପାଠର ସମ୍ଭାବିତ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ସେଥିରେ ଆମେ MCQ ଟାଇପ୍, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଆଦି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ତୁମମାନେ ଆଜି ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଲା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନ ଦେଇ ବୁଝ ଏବଂ ଯାହା ନୋଟ୍ କରିବାର ଅଛି ନୋଟ୍ କରିନିଅ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ